नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सिंगल मोड एग्जाम लेने का फैसला किया है। अगले सत्र से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि इस बार हो रहे दो टर्म पॉलिसी को खत्म कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी से पहले सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को दो भागों में बांटने का फैसला लिया गया था। टर्म वन बोर्ड परीक्षा पिछले साल नवम्बर दिसंबर में आयोजित की गई थी, जबकि टर्म टू परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है। बिहार में बर्ड फ्लू के मामले आने के बाद बिहार के सुपौल जिले में पशुपालन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने क्षेत्र के 1 किलोमीटर दायरे में मुर्गियों को खत्म करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को सुपौल के छपकही गांव में पक्षियों के संक्रमित होने का मामला सामने आया। पशुपालन विभाग को सूचना मिली कि 2 सप्ताह पहले वार्ड 1 से लेकर वार्ड 11 में कुछ मुर्गियां, बत्तख और कौवे अप्राकृतिक कारणों से मृत पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की नीति के कारण देश को अगले 10 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में डॉक्टर मिलेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में 200 बिस्तरों वाले के पटेल मुतली स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित करने की बात बोल रहे थे। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट का BA.2 सब वेरिएंट इस समय दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन 2 नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 मिलने से दुनिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूरोपीय और एशियाई देशों में कोरोना वायरस की चौथी लहर का कहर जारी है। कई देश ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट से कराह रहे हैं। भारत में कोरोना की चौथी लहर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। KGF के पहले ही चैप्टर ने रिलीज होते ही लोगों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धुआंधार कमाई करना शुरू कर दिया है। पहले दिन सिनेमाघरों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली, जहां लोगों ने थिएटर में खूब तालियां बजाई। वहीं रिलीज के बाद अब KGF चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आया है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर एक बड़ा तीर्थ स्थल है। हर महीने लाखों तीर्थयात्री वैष्णो देवी के दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। श्रद्धालु ट्रेन से कटरा पहुंचते हैं और यहां से फिर माता के मंदिर की तरफ चढ़ाई करते हैं। अब आने वाले दिनों में यहां रोपवे की व्यवस्था होगी। फिलहाल वहां चौपर सेवा उपलब्ध है, वहीं लोग खच्चर की सवारी करके भी चढ़ाई करते हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना मरीज आ रहे हैं। शंघाई जैसे प्रमुख शहर में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया है। हालात ये है कि लोगों को एक टाइम का खाना मिल पाना मुश्किल है। व्हाट्सएप ने बृहस्पतिवार को कहा है कि वो ग्रुप वॉइस कॉल में 32 लोगों को एक साथ जोड़ने और 2 गीगाबाइट तक की फाइलों को शेयर करने की सुविधा देगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ने कई और सुविधाएं देने की बात भी कही है। समय मोबाइल ऐप का उपयोग करके ग्रुप वॉइस कॉल में केवल 8 लोगों को जोड़ा जा सकता है और उपयोगकर्ताओं के बीच शेयर की जाने वाली फाइल का आकार 1 GB से अधिक नहीं होना चाहिए। नीति आयोग गाय के गोबर के व्यावसायिक इस्तेमाल और किसानों के लिए बोझ बनने वाले छुट्टा पशुओं से जुड़े विभिन्न मसलों को हल करने के लिए कार्य योजना पर काम कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने ये जानकारी देते हुए कहा कि हम गौशाला अर्थव्यवस्था में सुधार करने के इच्छुक हैं। आयोग ने आर्थिक शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च को गौशाला अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा है, ताकि उसका व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है। दिल्ली में गुरुवार को 325 कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद राजधानी के कुल एक्टिव केस की संख्या 915 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 2.39% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 224 ठीक हुए हैं और बढ़ रहे मामलों को लेकर अब जल्द ही बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को गुजरात के भुज के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। 200 बेड वाला यह अस्पताल गुजरात के कच्छ में पहला धर्मार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जिसका निर्माण भुज के श्री कच्छी लेवल पटेल समाज ने कराया है। बिहार में उद्योग क्षेत्र की ऊंची उड़ान शुरू हो गई है। बेगूसराय में बरौनी के हवासपुर में रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ हो गया है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया है। शिलापट्ट का अनावरण और फीता काटकर इस प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर वरुण बेवरेज कंपनी और उद्योग विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आयरन डोम से लेकर घातक ड्रोन तक बनाने वाले इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बिम रखा गया है। इजराइल का कहना है कि उसका आयरन डोम सिस्टम बहुत सफल रहा और उसने 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि यह सिस्टम बहुत महंगा है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि गाजा से कोई मात्रा में कुछ डॉलर के रॉकेट दाग सकते हैं।
इंग्लैंड के धुरंधर बल्लेबाज जो रूट ने बड़ा फैसला लेते हुए इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ दी है। जो रूट इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान थे और उनकी अगुवाई में पिछले कुछ सालों में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब था। जो रूट पर इस सीरीज में करारी हार के बाद से ही कप्तानी छोड़ने का दबाव था, लेकिन वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ा। बता दें कि जो रूट साल 2017 में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बने थे। फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने हर किसी को भावुक कर दिया है, जिसके बाद ही हाल ही में विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी और पसंद किया। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने पूरी ईमानदारी और ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत की है। हो सकता है कि मैंने आपके TL को स्पैम कर दिया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टर ने आगे लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी नई फिल्म पर काम करूं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में उन तमाम पेंशनर्स को जोर का झटका दिया है जिन्होंने DR की 3 किश्तों को जारी करने की अपील की थी। बता दें कि सरकार ने कोरोना के पीक के दौरान पेंशनर्स को दिए जाने वाले DA को 3 किश्तों को जरूरी राहत कार्य के लिए वापस ले लिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के पास पेंशनर्स के DA और DR का कुल 34,000 करोड़ रुपए जमा है। बता दें कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बेहतर जीवन यापन के लिए DA और DR का भुगतान करती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहाम खान ने उन पर तंज कसा और कहा है कि इमरान खान बॉलीवुड में ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उनके इस बयान की पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, जिसमें वो ये बता रही हैं कि इमरान खान को अब करियर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें वो बॉलीवुड में एक्टिंग करने से लेकर कॉमेडियन बनने तक के विकल्प बता रही हैं। यदि आप भी सीमा सुरक्षा बल BSF ग्रुप B में विभिन्न पदों पर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि BSF ने बंपर बहाली निकाली है। भर्ती के लिए कुल रिक्त 90 पदों पर चयन प्रक्रिया BSF ग्रुप B रिक्रूटमेंट 2022 शुरू की गई है। BSF ग्रुप B रिक्रूटमेंट 2022 में 90 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन BSF.NIC.IN पर करना होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता नेपाल जाने वाले माल को गंगा नदी के ऊपर साहिबगंज भेजने की योजना पर काम कर रहा है, जहां से सड़क परिवहन का इस्तेमाल विराटनगर नेपाल तक किया जा सकता है। ये लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए अंतरदेशीय जलमार्गों का अधिक से अधिक उपयोग करने के प्रयास का हिस्सा है। SMPK ने डिब्रूगढ़ असम में हाल ही में संपन्न जलमार्ग सम्मेलन में भाग लिया, जहां बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंडप का उद्घाटन किया था। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इतिहास का उपयोग बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, न कि गलती तलाशने के लिए। विवाद से किसी का कोई कल्याण नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इतिहास का उपयोग गलती खोजने के लिए किया है। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर दूसरे देश की तरफ से रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के इस जवाब में वो ऐसा नहीं करेगा। रूसी विदेश मंत्रालय के आर्थिक सहयोग विभाग के निदेशक दिमित्री बिरिचेवस्की ने इसकी जानकारी दी। रूस समर्थित प्रसारक RT के प्रसारण में श्री बिरिचेवस्की ने कहा है कि हमारी ओर से जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में हमने ऐसा किया भी है, लेकिन हम किसी देश पर प्रतिबंध लगाने की दौड़ में शामिल होने का इरादा नहीं रखते। भारत भी अमेरिका समेत अन्य देशों के मानवाधिकारों के हालात पर नजर रखता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कहा गया है। ये वाक्य से विश्व पटल पर बढ़ती हिंदुस्तान की महत्ता और ताकत को दर्शाता है। भारत अब एक मुखर राष्ट्र के रूप में अपनी अलग पहचान बनाता जा रहा है। अब हम खुलकर अपनी बात रखते हैं, फिर चाहे सामने अमेरिका हो या फिर कोई अन्य विकसित देश। बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया पोस्ट ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के सर 2 में स्टाफ कार ड्राइवर के 28 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस वैकेंसी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सैलरी 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 पे मैट्रिक्स के मुताबिक दी जाएगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना है कि रूस की उनकी यात्रा बेहतर ढंग से नहीं हो पाई है। इमरान ने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका पाकिस्तानी सेना से उनके दौरे को लेकर लगातार जानकारी ले रहा था। वहीं अब पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने से पहले इमरान खान की मॉस्को यात्रा की योजना बनाई गई थी और सेना पूरी तरह से इस निर्णय के साथ थी। अब मेट्रो टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगने का झंझट खत्म हो गया। बस व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजने भर से आपका काम हो जाएगा। जी हां, मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड जो शहर में वर्सोवा अंधेरी
घाटकों पर मार्ग पर मेट्रो सेवा संचालित करती है। इसने गुरुवार को व्हाट्सएप पर ई टिकट सुविधा शुरू की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में पूंजी व्यय पर जोर से विनिर्माण को गति मिलेगी और कर राजस्व संग्रह बढ़ेगा। भारत 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर रहेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बीते वित्त वर्ष 2021-22 में कर राजस्व रिकॉर्ड 34% बढ़कर 27.07 लाख करोड़ रुपए तक जा रहा है, जो कि कोरोना वायरस की 3 लहरों के बाद अर्थव्यवस्था में तेज रिवाइवल को दर्शाता है। अभी तक कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन शक के दायरे से बाहर नहीं हो सका। अब ऑस्ट्रेलियाई पोर्टल द क्लेसॉन ने एंथनी क्लेन की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके मुताबिक चीन पाकिस्तानी सेना के साथ नया कोरोना वायरस बना रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्देश पर पाकिस्तान में यह घातक जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन इस समय भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े रईस हैं। उनकी संपत्ति साल 2020 से साल 2022 के बीच करीब 14 गुना उछली है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उनकी कंपनियों के शेयरों का बढ़ता भाव। आपके घर के राशन से लेकर कोयले की खदान तक, हवाई अड्डे, रेलवे बंदरगाह से लेकर बिजली बनाने तक, ऐसे दर्जनों कारोबार हैं जहां गौतम अडानी का ही सिक्का चल रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सप्ताह अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों और गैर अधिकारियों दोनों को एक स्पष्ट संदेश दिया। भारत वैश्विक विकास का बारीकी से अनुसरण करता है। यह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों से पूरी तरह वाकिफ है और अंत में ये जानता है कि कैसे उनकी रक्षा करना है और उनका पीछा करना है। देश में फिर से कोयले की कमी का संकट गहरा गया है। कई राज्यों में कोयले की कमी हो गई है। यूपी, बिहार समेत 10 राज्य कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। कोयले की कमी से देश में बिजली संकट पैदा होने वाली है। महाराष्ट्र में कई साल बाद अनिवार्य बिजली कटौती की स्थिति बन गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ती गर्मी के बावजूद क्या आपके इलाके में बिजली की अच्छी व्यवस्था है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।